हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक महाराष्ट्र में जो बीमा कोरेगा मैटर को लेकर पूरी हिंसा हो रही है वो क्या हो रहा है वो सबको पता है लेकिन क्यों हो रही है ये समझने के लिए हमारे साथ आज उर्मिलेश जी हैं उर्मिलेश जी राज्यसभा टी वी के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है सो so, उर्मिलेश जी बताइए कि मतलब क्या हो रहा है ये तो सबको पता है हिंसा हो रही है दलितों के बीच में और मराठास के बीच में अभी लेकिन ये पेशवाई और दलित ये अलग चीज़ था और मराठा और पेशवा अलग चीज़ है लेकिन ये मिक्स क्यों हो गया है फिर इस चीज़ में देखिए पहली बात तो ये समझने की है बहुत ज़रूरी कि ये जो घटना है भीमा कोरेगांव का इसमें 200 साल पूरे हो रहे थे कोरेगांव की लड़ाई के और उसमें जो विजय विजय के उत्सव के रूप में दलित लोग महार लोग वहाँ के मनाते रहे हैं और ये आज से नहीं बहुत वर्षों से आम तौर पे हाल के वर्षों में जो ये समारोह जब होता था हर साल इसी दिन तो दस हज़ार आठ हज़ार कभी पाँच हज़ार कभी पंद्रह हज़ार लोग पहुंचते थे इस साल चूँकि दो सौ वर्ष पूरा हुआ है और दलित आंदोलन या दलित विमर्श अपने को नए सिरे से एक पुनर्परिभाषित भी कर रहा है हाल के वर्षों में कुछ आप अगर दो चार वर्ष देखें मैं 2014 तो के बाद जी हाँ जी हाँ तो एक लगातार उन पर हमले हो रहे हैं हमलों के खिलाफ उनका प्रतिरोध की आवाज़ें बढ़ रही हैं अलग अलग ढंग की रोहित बेमुला का इशू आया आपका हरियाणा में दलितों पर बहुत अटैक हुए थे हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में बहुत अटैक हुए हैं तो एक जिग्नेश मेवाणी के नेतृत्व में एक समूह उभरा गुजरात में जब वहाँ दलितों पर हमले हुए तो ये जो हिंदुत्ववादी मैं हिंदू नहीं कहता हिंदुत्ववादी जो एक संगठन है उनका जो एक हमला है हर तरह के हिंदुस्तानियों पर चाहे वो दलित हों या ओबीसी हों ट्राइबल्स हों अब कोई गोरक्षा के नाम पर हमला का शिकार होता है कोई किसी नाम पर होता है तो ये जो आंदोलन हैं धीरे धीरे अपने को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये वो वजह है जिसकी वजह से साढ़े तीन लाख लोग वहाँ पर लोग बताते हैं साढ़े तीन चार लाख लोग पहुँच गए और दो सौ साल तो पूरा हुआ ही था और इसमें ये भी संयोग नहीं है कि तमाम तरह के नए लोग भी वहाँ पर गए सम्मेलन में जो जो किसी ट्रेडिशनल दलित पार्टी के नेता नहीं है जैसे रिपब्लिकन्स केवल जैसे रामदास अठावले या इस तरह के लोग केवल वही नहीं थे यहाँ मेवाणी भी थे जे के कुमार खालिद भी थे तमाम इस तरह के लोग थे महाराष्ट्र की बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट थी लड़ महिलाएँ थी तमाम तरह के लोग थे ऐसे भी लोग थे जो नॉन दलित हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे एक्टिविस्ट थे तो इसको लेकर मुझे लगता है कि जिस तरह के नाम पोस्टरों पे छप रहे थे ये आएंगे वो आएंगे इसको लेकर जो वहाँ के इलाके के जो हैं और साथ साथ महाराष्ट्र में जो एक्टिव आर्गेनाइजेशंस हैं हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे हिंदुत्ववादी जो संगठन है बहुत पहले से हैं शिवसेना रही है आरएसएस है बीजेपी है तमाम तरह के संगठन हैं और इस वक्त बाई चांस उनके पास सत्ता भी है तो मुझे ऐसा लगता है जो 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 फैक्ट्स हैं जो जो तथ्य अब तक उभर कर आए हैं रिपोर्ट्स में अखबारों की टेलीविज़न की उसके आधार पर क्योंकि मैं तो स्पॉट पे गया नहीं लोगों से कुछ बात जरूर की जो स्पॉट पर थे मैंने बात की उन लोगों से फ़ोन पर तो उससे जो मैं गैदर कर पाया हूँ और उसको जो इस तरह से मैं एनालिसिस उसकी व्याख्या करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने योजना पहले से बना ली थी कि हमें कुछ करना है लेकिन इतनी विशाल भीड़ थी कि उस भीड़ पर कैसे हमला करते तो उन्होंने मुझे लगता है कि चुना कि जब भीड़ या तो जाने लगे या कुछ लोग समूह के आने लगें उस वक्त कहीं हमला करो और ये कहना कि इसमें मराठा केवल थे या अमुक थे ये मैं नहीं मानता सही है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई मराठा नहीं कोई पेशवा नहीं कोई कुछ नहीं पेशवा के खिलाफ चूंकि वो लड़ाई थी तो आप जोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत लेकिन जहाँ तक मराठों का सवाल है मराठा एक कोई जाति नहीं है एक महा महासमुदाय है बहुत बड़ी बिरादरी है एक एक, एक बड़ा समूह है अब उसमें मेरे को लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं पहले से हिंदुत्ववादी संगठन उन लोगों ने क्योंकि उनके हाथ में देखिए आम मराठा चलता है तो भगवा झंडा लेकर नहीं चलता है केसरिया जब अटैक होता है गाँव में दलितों पर तो मैंने अपनी आंखों से देखा तमाम चैनल्स ने दिखाए यहाँ तक कि वे चैनल जो भगवा ब्रिगेड के सपोर्टर अपने को कहते हैं या साफ साफ बोलते हैं इस तरह की बातें चैनलों में उन लोगों ने भी जो विजुअल्स दिखाए फुटेज दिखाए उसमें उनके हाथ में भगवा ध्वज है और वो जहाँ जहाँ रिपब्लिकन्स पार्टी के या दलितों के जो कई कलर के पीले नीले लाल कलर के झंडे हैं उनको जहाँ पा रहे हैं फाड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं बल्कि उसी से वो गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं लेकिन भगवा वो हाथ में लिए हुए हैं ये बिल्कुल चारों तरफ दिखाई देता है तो इससे ये साफ नज़र आता है कि इसके पीछे कोई एक कम्युनिटी नहीं है इसके पीछे कोई एक बिरादरी नहीं है इसके पीछे एक वैचारिकता है इसके पीछे कुछ विचार के लोग हैं जो हो सकता है कि मराठा कम्युनिटी से आए हों कुछ पेशवा हों तो एक ये भी समस्या है कि महाराष्ट्र में मराठा और दलित एक न हो जाएं, क्योंकि आज के दौर में मराठा जो है मराठा समाज, समाज का एक बड़ा डिसकंटेंट फडणवीस सरकार के खिलाफ है और वो तरह तरह से व्यक्त हो रहा है कभी रिजर्वेशन को लेकर जैसे गुजरात में आपने देखा पटेलों का पटेल बहुत समृद्ध है शहरों में लेकिन आप गांव में जाकर देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं बहुत बेहाल हैं तो ऐसा लगता है मुझे कि ये जो नाराज तबका है मराठों का वो दलितों के बीच में माइनॉरिटीज़ के बीच में एक प्रॉडर जो यूनिटी इवॉल्व हो रही थी वो कैसे न हो हो सकता है इसके पीछे ऐसी योजना हो हमलावरों की और हमलावरों में आ, मैं आपको बताऊं कि दो संगठनों का नाम आ, आया है जो स्वयं नामजद रिपोर्ट में है सरकार के शासन के वो है एक हैं संभाजी ब्रिगेड आई मीन जो शिव प्रतिष्ठान है उसके संभाजी भिडे हैं संभाजी भिडे इनका असली नाम नहीं है अच्छा हाँ इनका असली नाम कुछ और है मनोहर भिडे और ये सांगली इलाके के हैं कोल्हापुर में इनका मुख्य हेडकोार्टर है और ये सज्जन जो अस्सी साल से ऊपर के हैं हमारे देश के जो इस वक्त सत्ता संरचना के बड़े किरदार हैं बड़े नेता चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हों या राज्य के मुख्यमंत्री जी हों सभी के बेहद आदरणीय हैं और इन इ, इ, इन लोगों ने अपनी सभाओं में उनका खैर मक़दम किया है यहाँ तक कहा है कि हम तो उनके आदेश पर यहाँ रैली करने आए हैं तो इतने घनिष्ठ रिश्ते हैं जी हाँ जी हाँ इतने घनिष्ठ रिश्ते इन लोगों के हैं शिव प्रतिष्ठान के प्रभारी के दूसरी बात कि ये खुलेआम अपने को हिंदू हिंदुत्ववादी कहते हैं और उसी तरह से ये काम भी करते हैं ठीक है सोशल वर्क भी करते हैं दूसरे सज्जन जो हैं मिलिंद एबोटे ये कारपोरेटर रहे हैं और ये करीब करीब इनका जो समस्त हिंदू अगाड़ी है ये उत्तर भारत में खासकर राजस्थान और हरियाणा में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गोरक्षा दल एक्टिव है कुछ उस तर्ज पर ये काम करते हैं इनके बहुत सारे कैडर्स गाड़ियों में अगर पशु जा रहे हैं चाहे वो पशु भरे ही वैध किस्म से हों और उनको बाकायदे आर्डर के साथ या परमिशन के साथ ले जाया जा रहा हो मेले से घर या घर से मेला पशु मेला तो उसको भी कई बार इन लोगों ने रोका है ये इनके रिकॉर्ड हैं और इन दो लोगों का नाम आया है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये एफआईआर कह रहा है और अब आगे देखना है कि ये क्या होता है तो हमलावरों हमलावरों के पीछे मैं नहीं समझता कि कोई बिरादरी है ये एक विचार है और एक विचारधारा से जुड़े गिरोह हैं गुट हैं और मिलेश जी आपने जो कहा कि ये किसी संगठन या समुदाय की बात नहीं है ये एक विचारधारा की वजह से हो रहा है लेकिन अगर विचारधारा से किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल या सोशल किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर बेनिफिट होता है तो समझ में आता है कि विचारधारा की वजह से कोई करवा रहा है वो कैसे समझाएंगे आप हाँ देखिए देखिए इसका तो एक बड़ा आ, मैं जो इस पूरी प्रक्रिया से जो चीज़ निकलती है मैं दो तीन पॉइंट कहना चाहूँगा पहला तो ये कि एक इस तरह के हमले जिस दुस्साहसिक ढंग से हुए हैं जहाँ तीन लाख साढ़े तीन लाख लोग इकट्ठा हैं वहाँ आप कुछ एक लोगों को पकड़ते हैं उस समूह के जो जा रहे हैं या आ रहे हैं आप सड़क चलते कुछ लोगों पर अटैक करते हैं आप उस सभा के दौरान आप नहीं कर पाते क्योंकि इतनी संगठित ताकत है और दूसरा कि जो लड़का मारा गया वो अभी जो रिपोर्ट आई है वो दलित नहीं है वो स्वयं मराठा था, था। लेकिन हमले का शिकार हुआ क्योंकि हमलावर जो 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 शत्रुतापूर्ण ढंग से हमला करते हैं मानवता पर वो जाति बिरादरी नहीं देखते वो कुछ नहीं देखते उनकी आँखों में एक हिंसक वो होता है निशाना होता है और मुझे लगता है कि कोई भी मारा जा सकता है गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत पहले भारत के पत्रकारिता के माने जाते हैं कि प्रतीक पुरुष वो कानपुर में दंगों को शांत कराने के दौरान ऐसे आ, इलाके में मारे गए थे आ, जिस इलाके की रक्षा में वो लगे हुए थे अब आप सोचिए तो ठीक उसी तरह से वो लड़का मारा गया और बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो मैं दो एक पॉइंट रखना चाहता था कि भाई कौन आ, चाहता था महाराष्ट्र में कि जो किसान मराठा है जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं मजदूर किसान हैं शुगर मिल के मजदूर हैं या आम लोग हैं उनकी यूनिटी दलित मोहमेंट के साथ ना हो माइनॉरिटीज़ के साथ जो एक जुड़ाव दलितों का बढ़ रहा है इसमें ये तीसरा त्रिकोण न जुड़े तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये इससे इससे उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है फ़ायदा होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता फ़ायदा तो इस बात पर निर्भर करेगा पोलिटिकली या इलेक्टोरली कि अगर ये जमातें जिन पर हमला हो रहा है वो सब एक हो जाएँ और मराठा भी ये समझ जाएँ कि तुम्हारे इंटरेस्ट के खिलाफ किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि सारा खेल बिगड़ भी सकता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप जो जनता के बीच से उभर रही है धीरे धीरे उस पर निर्भर करता है लेकिन ये स्ट्रैटेजिकली किया गया है देखिए मतलब तो ऐसे ये हो सकता है कि बहुत ऊपर के लेवल से ना ऑर्गेनाइज किया जी गया जी, हो मैं, मैं लेकिन है लेकिन ये अटैक तो ऑर्गेनाइज हाथ में झंडे का आना मोटरसाइकिलों पे आना गाड़ियों पे आना गाड़ियों को जलाना तोड़ फोड़ करना आई I मीन mean, आप ये तो हो नहीं सकता है ना कि सडन हो जाए ये इसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड एक भी रिटेलिएशन में जो दलितों ने अभी महाराष्ट्र बंद का कॉल दिया है उसके अगेंस्ट जो लोग बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है प्रॉपर्टी डैमेज है उसके बारे में आप कहें वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज एवरीबडी आई मीन मीडिया में खासकर ये इशू उठाया जाए देखिए अपने देश का मीडिया भी बहुत ही खासकर मुख्यधारा मीडिया बहुत ही दिलचस्प संरचना इसकी है हमारे देश के मीडिया में जब महानगरों में या बड़े शहरों में किसान जाते हैं मजदूर जाते हैं आदिवासी जाते हैं दलित जाते हैं माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग जाते हैं यंग जनरेशन के लड़के अपनी आवाज़ों को लेकर जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी पूरी दुनिया को तहस नहस किया जा रहा है ऐसा लगता है कि उनकी उनके स्वर्ग पर धावा बोल दिया है लेकिन ये लोग नहीं समझते कि जब उनके लोग सब कुछ करते हैं तो अब आज मैं चैनलों पर था आज मैं सुन रहा था बहुत सारे अपने को पैनलिस्ट की बातें ये तो उपद्रव है ये हिंसा है इस तरह के उग्रवाद को इस तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए डेमोक्रेसी में ये वे लोग कह रहे थे जिन्होंने एक जिंदा एक वजूद में जो खड़ी थी एक मस्जिद उसको धराशाई कर दिया और पूरे देश के टॉप लीडरशिप वहां थी डेमोक्रेसी में यकीन करने वाली थी क्या वो आपने एक पूरी मस्जिद को गिरा दिया दिन दहाड़े आपने दादरी में एक आदमी की हत्या कर दी आपने अलवर में कर दी आपने न जाने कितनी जगहों पर हत्याएं की हैं हाल के दिनों में बीस ऐसी हत्याएं हुई हैं चुन चुनकर मैं कभी भी अशांति का समर्थक नहीं हूं मैं तोड़फोड़ का समर्थक नहीं हूं हिंसा नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने हिंसा की है वो अच्छा नहीं किया है अपने लिए भी नहीं लेकिन हमारा यह कहना है कि अगर भीमा कोरेगांव में सोमवार को जो घटना घटी वो नहीं होती और अगर हुई भी घटना तो उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया होता यहां तो जेएनयू के लड़कों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे जिसका कोई प्रमाण आज तक ये ये दिल्ली की सरकार नहीं दे सकी है भारत सरकार है? और आप जेएनयू के लड़कों को देशद्रोही होने के आरोप में गिरफ्तार करते हैं बेवजह और जिन लोगों ने हत्या की है जिन लोगों ने दलितों पर हमला किया है आपने उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है अगर गिरफ्तार कर लेते मैं नहीं समझता कि आज बंद होता मुंबई में या या महाराष्ट्र में कल कुछ उपद्रव होता ये उपद्रव नहीं होना चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए था लेकिन अगर जो हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है तो जवाबदेही होगी नहीं इस चीज़ की नहीं जवाबदेही सरकार की है उर्मिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि ये महाराष्ट्र में जो हिंसा हो रही है क्यों हो रही है